सीखने वाले हैं लेसन नंबर 8, हाउ सीजन सकर पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा था लेसन नंबर 1 में, ये लेसन नंबर 8 है। और लेसन नंबर 1 में हमको बोला गया था ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट करने को, तो हमने ऐसी स्टिक लगा दी थी और रोज हमको सनराइज एंड सनसेट का जो शेडो बनता है वॉल के ऊपर वो देखने का था और ऑब्जर्व करना था, ठीक है। तो अगर आपने ना किया हो तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, हाँ नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, राइट। सो ये जो आपका शेडो है ना, कभी आपको नॉर्थ से साउथ की ओर जाता हुआ दिखेगा और कभी साउथ से नॉर्थ की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो जब भी ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है तो उसको बोला जाता है दक्षिणायन। क्या बोला जाता है? दक्षिणायन, बिकॉज साउथ को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं, राइट। सो दक्षिण की ओर जब जाता है नॉर्थ से साउथ की ओर, तब हम क्या बोलते हैं? दक्षिणायन। और जब साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है तब हम बोलते हैं उत्तरायण। उत्तरायण मीन्स कि हम जब काइट फ्लाइंग करते हैं ना, सो और तिल गुड़ खाते हैं, राइट। सो उत्तरायण में क्या होता है, जो हमारा जो सन होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर की तरफ प्रयाण करता है, ठीक है। सो ये दो चीजें क्लियर हो गई, ये जो शेडो है वो नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ ऐसा घूमता रहता है, समझ में आ गया। बट आपको ऐसा लगता है कि सन ऐसा मूव कर रहा है, बट सन मूव नहीं कर रहा है, सन नहीं मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? सन के आजू बाजू में हमारी अर्थ मूव कर रही है, जिसको हम रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ बोलते हैं, ठीक है। सो अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से हमको ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट सन तो स्टेडी है, समझ में आ रहा है। सो ये मूवमेंट को, ऐसी सन की मूवमेंट को हम बोलते हैं अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। इसको मैं अभी जूम करके बताती हूँ। तो अगर आपने चैप्टर 1 में ये वाला एक्सपेरिमेंट ना किया हो तो मैंने कर दिया है, आप चाहो तो मुझे थैंक यू बोल सकते हो बच्चों, ठीक है, और ना चाहो तो मत बोलना। तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट, आपने अगर टेबल बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, रोज का सनराइज एंड सनसेट का टाइम नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्लैप फॉर यू, ठीक है। सो अभी ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे आंसर ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में है, तो मैं वहां से ही स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। सो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज द टुडेज फर्स्ट टॉपिक। सो यू मस्ट हैव रियलाइज थ्रू योर ऑब्जर्वेशंस दैट पोजीशन ऑफ द सन एंड द सनराइज अपीयर्स टू चेंज ऑन द होराइजन एवरी डे। तो हमको लगता है सनराइज एंड जो सनसेट है उसकी जो डिरेक्शन है वो रोज चेंज हो रही है। इट्स पोजिशन अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। तो हमको पूरे साल ऐसा लगता है कि ये जो सन है वो कभी नॉर्थ की ओर मूव करता है, कभी साउथ की ओर मूव करता है, ठीक है, पूरे साल हमको ऐसा फील होता है। हाउएवर इन रियलिटी द सन डज नॉट मूव एनीवेयर। मैंने आपको बोला ना कि जो सन है वो मूव नहीं करता है, हमारी अर्थ मूव करती है। That is why यहाँ पर this movement of the sun towards the north or south in a year is called apparent movement of the sun, ठीक है। तो इसीलिए ये जो north से south, south से north, ये जो sun की movement होती है उसको हम क्या बोलते हैं? Apparent movement of the sun। Apparent का meaning होता है obvious, ठीक है। The position of the rising sun keeps on moving towards the south in the period from 21st June to 22nd December, ठीक है। सो 21st जून से 22nd दिसंबर तक क्या होता है, जो हमारा सन होता है वो क्या होता है? साउथ की ओर मूव करता है, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करता है, ठीक है। और 22nd दिसंबर से 21st जून तक जो हमारा सन है वो साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है, साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है, उत्तर की तरफ प्रयाण करता है, जिसको हम उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो 21st जून टू 22nd दिसंबर जो हमारा सन है वो साउथ की ओर मूव करता है, और 22nd दिसंबर से 21st जून हमारा जो सन है वो उत्तर की तरफ मूव करता है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई। मैं तो ये उत्तरायण वाला ही याद रखती हूँ, सो दैट कि मुझे दूसरा वाला याद रह जाए। उत्तरायण कब होती है? जनवरी में होती है, और दिसंबर और जनवरी पास पास में ही है ना। सो दिसंबर से जून तक
जो हमारा सन है वो साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करता है, इसीलिए हम उसको उत्तरायण बोलते हैं, क्योंकि वो उत्तर की तरफ जाने लगा है। तो मैं ऐसे करके याद रखती हूँ, ये वाला याद रखेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। 21 जून टू 22 दिसंबर इसका ऑपोजिट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है? तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ आर टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है? सो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, कि जो हमारी अर्थ है ना वो टिल्टेड है, ऐसी थोड़ी टेढ़ी है 23.3 डिग्री पे, राइट? सो ऐसी टिल्टेड है और जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये दो चीजें है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, और यही दोनों चीजों की वजह से हमारी अर्थ पे सीजन फील होता है, वो बाद में आएगा। सीजन्स अकर ओनली विथ रेफरेंस टू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स, एंड उसकी वजह से नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होता है, सीजन्स फील होता है, ठीक है? अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, ऑब्जर्व फिगर 8.1 केयरफुली एंड आंसर। तो आंसर तो हमें को मिल जाएंगे, बट मैं फिगर को आपको ऑब्जर्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे है 8.1, ठीक है? यहाँ पे साइकिल ऑफ सीजन, इक्विनॉक्सिस एंड सोलस्टिक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है? सो ये है हमारी अर्थ जो मूव कर रही है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, राइट? सो यहाँ पे एनपी लिखा है, तो दैट मींस कि ये नॉर्थ पोल है। यहाँ पे एसपी लिखा है, ये साउथ पोल है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या है, इक्वेटर है। सो इक्वेटर से ऊपर का पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से ये नीचे वाला पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है? ये क्लियर हो गया, दो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। सो 22 दिसंबर से 21 जून तक जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर गर्मी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। गर्मी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। वहां पे क्या फील होगा, समर, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होगा, समर। और उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होगा, विंटर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के साइड पे टिल्टेड है, सन की ओर टिल्टेड है, सन की ओर झुका हुआ है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर से जून तक सनरेज बहुत आते हैं। इसकी वजह से ऊपर क्या होगा, ज्यादा गर्मी लगेगी, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर सन के रेज सन से थोड़ा दूर है, इसीलिए यहाँ पे सन के रेज कम आएंगे, इसीलिए ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या फील होगा, थोड़ा ठंडा, ठंडा थोड़ा नहीं बहुत फील होगा, वहां पे विंटर होगा, और यहाँ पे ज्यादा सनरेज की वजह से समर फील होगा। समझ में आ गया? तो ये रीजन है समर एंड विंटर का। अभी उसका उल्टा मैं आपको करके बताती हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है? अभी पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर झुका हुआ था, ठीक है? फिर अभी उल्टी गेम हो जाएगी। अभी क्या हो जाएगा, ये जून से दिसंबर तक क्या हो जाएगा, ये जो सदर्न पार्ट है वो सन की ओर जाएगा, उधर ज्यादा सन आएगा, और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सन से दूर चला जाएगा। ये पार्ट पे अभी क्या फील होगा, अभी गर्मी फील होगी, क्योंकि इधर सन के रेज ज्यादा आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब जून से दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होता है, धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये ऊपर वाला है, यहाँ पे सन के रेज कम आएंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर स्टार्ट होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या स्टार्ट होगा, समर। क्लियर हो गया? ये बहुत ईजी था और इसी के ऊपर पूरा लेसन है, ठीक है? इतना अगर आपको समझ में आ गया ना तो हो गया आपका काम, ठीक है? सो ये सीजन्स, इक्विनॉक्स एंड सोलस्टिस, ये बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिहेलियन एंड एफिहेलियन पोजीशंस ऑफ द अर्थ, ठीक है? सो आपने कभी अर्थ की ऑर्बिट को देखा है? अर्थ की ऑर्बिट देखो कैसी है, अर्थ की जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप की है, वो गोल नहीं है, ठीक है? अंडे जैसी है, वो गोल नहीं है, ठीक है? सो इलिप्टिकल शेप होने की वजह से कभी सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, और कभी सन एंड अर्थ का डिस्टेंस कभी कम हो जाता है। तो जब सन एंड अर्थ का डिस्टेंस कम होता है तो वो पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिहेलियन पोजीशन, और जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है
है तो इसको बोलते हैं अफेलियन पोजीशन। यहाँ पे है 152 मिलियन किलोमीटर और यहाँ पे है 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और जो हमारी अर्थ होती है ना उसको दो हेमिस्फीयर है। देखो अभी ये देखो, ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे जो इक्वेटर के नीचे का पार्ट है टूवर्ड्स साउथ पोल, ठीक है। तो इक्वेटर से साउथ पोल वाला जो डिस्टेंस है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल वाला जो भी पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने ये फिगर में देखी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ क्योंकि उसका यूज़ अभी आने वाला है, ठीक है। सो दो तरह के स्फीयर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी यहाँ पर चले जाते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। द पाथ ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इलिप्टिकल, हमने देख लिया। द सन इज एट वन ऑफ द टू सेंटर्स ऑफ द इलिप्स, ठीक है। सो जो इलिप्स होता है ना उसको दो सेंटर होते हैं, एक यहाँ पे और समझो एक यहाँ पे। तो सन दोनों में से कोई एक सेंटर पे है, सपोज यहाँ पर है, तो ये फिगर में तो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, ठीक है। सो हमारा जो सर्कल होता है ना उसको एक ही सेंटर होता है, बट ये जो इलिप्स होते हैं उसको दो सेंटर होता है, तो दोनों में से एक सेंटर के पास हमारा सन है। द सन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ये सबको पता है कि जो सन है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। एज द अर्थ मूव्स इन एन इलिप्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन डज नॉट रिमेन द सेम, ठीक है। ये क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसीलिए सन एंड अर्थ का जो डिस्टेंस है वो हर एक जगह पे चेंज होता रहता है। अगर वो अर्थ ये जो हमारा सर्कल होता है ना उसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है कोई भी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए सर्कल की जो रेडियस होती है वो सब सेम मेजरमेंट की होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। बट इलिप्स में ऐसा नहीं है, समझ में आ गया। तो कभी डिस्टेंस बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है और उसकी वजह से ही पेरिहेलियन पोजिशन एंड अपहेलियन पोजिशन बनती है, ठीक है। एज द अर्थ मूव्स इन एन इलिप्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन डज नॉट रिमेन द सेम, इट इज एट मिनिमम डिस्टेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो मिनिमम डिस्टेंस वो जनवरी में होता है। दिस इज कॉल्ड द पेरिहेलियन पोजीशन ऑफ द अर्थ। इन दिस पोजीशन द सदर्न एंड ऑफ द एक्सिस इज टूवर्ड्स द सन, ठीक है। सो जब वो पेरिहेलियन पोजीशन पे होती है जनवरी में, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ वो कम होता है, तब सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ वो सन के सामने होता है, ठीक है। तो सन के सामने जो एरिया होगा वहां पे क्या होगा, बहुत गर्मी होगी, दैट मींस वहां पे क्या होगा, समर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जनवरी में सदर्न पार्ट ऑफ द मींस की सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ में क्या होता है, समर होता है, जबकि जो नॉर्दर्न पार्ट है उस टाइम पे वहां पे क्या होगा, विंटर। तो जनवरी में नॉर्दर्न पार्ट मीन्स कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। जैसे हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो जनवरी में हमारे यहाँ क्या होती है, ठंडी होती है। बट उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के थोड़े पार्ट में क्या होगा, उस टाइम पे समर होगा। मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए देखो यहाँ पे एक फिगर डाउनलोड करके रखी है। यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी में, ये यहाँ पे जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। ये से ये पूरा एरिया, ये वाला जो एरिया है वहां पर क्या होगा, समर होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट सन के सामने होगा क्योंकि हमारी अर्थ ऐसी टिल्टेड है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट समर के ये वाला पार्ट सन के सामने होने की वजह से यहाँ पे सनरेज ज्यादा आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। और जो ऊपर का पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो ऐसा टेढ़ा होने की वजह से वो थोड़ा सनरेज कम आते हैं, और उसकी वजह से ये जो ऊपर का पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होगा, विंटर होगा। समझ में आ गया। सो नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका का ये ऊपर का पार्ट, फिर देखो इंडिया, ये सब जगह पे क्या होगा, रशिया और एशिया,
यहाँ पे रशिया नहीं दिखाया गया है, डायरेक्ट एशिया ही दिखाया गया है, तो ये जगह पे क्या होगा, तभी विंटर होगा, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर इन योर माइंड। आप है ना इंडिया को याद रखो, इंडिया है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, सॉरी इंडिया, अगर इंडिया में जनवरी में विंटर है तो उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। जो सदर्न हेमिस्फीयर है उधर अपोजिट सीजन चलती है, अगर यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मई में समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में मई में क्या होगा, विंटर होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। सो हमारे यहाँ जो सीजन चलती है उसकी ऑपोजिट सीजन उसी टाइम पे दूसरे हेमिस्फीयर में चलती है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ये सारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और उसके ऑपोजिट सीजन। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत होगी बकवास। एज अगेंस्ट दिस, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई द अर्थ इज द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, ठीक है, और जुलाई में जो अर्थ एंड सन है उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द अफेलियन पोजिशन। इन दिस पोजिशन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द एक्सिस टूवर्ड्स द सन। तो जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सन के सामने होता है, जब अफेलियन पोजीशन पे होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जुलाई में क्या फील होगा, समर फील होगा, और उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होगा, विंटर। समझ में आ गया, इट इज एज सिंपल एज दैट। वैसे तो इंडिया में जो समर होता है वो जनवरी से जुलाई तक रहता है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो जल्दी से रेन स्टार्ट हो जाता है, बट जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देख लो, वहाँ पे जून में और जुलाई में थोड़ी थोड़ी, जून में गर्मी होती है, जुलाई में थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट होने लगती है। तो आप ऐसा समझ लो कि जनवरी से धीरे धीरे क्या होने लगता है, समर आने लगता है, जुलाई तक वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो वहाँ तक गर्मियाँ रहती है हमारे यहाँ, तो आपको उसका ऑपोजिट कहाँ पे सोचना है, सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि अगर जनवरी में इंडिया में विंटर है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, समर होगा। समझ में आ गया, तो आपको ऐसे आंसर्स देने हैं, इंडिया का सोच के आंसर्स देने हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, राइट। सो अभी यहाँ पर आ जाते हैं, व्हिच शोज द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द सन। यू कैन गेस व्हिच सीजन प्रिवेल्स इन व्हिच हेमिस्फीयर, ये हमने बता दिया। सीजंस अकर ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एज वेल एज ड्यू टू टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये देखो, यहाँ पे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और वो टिल्टेड है 23.30 degrees पे, ये टिल्टेड है, ऐसी वो झुकी हुई है। और यही दो चीजें हैं, एक तो टिल्ट एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यही दो चीज की वजह से हमारे अर्थ पे हम क्या फील करते हैं, सीजन फील करते हैं, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे, यहाँ पर आ जाते हैं। As the earth revolves around the sun, the equator receives perpendicular rays on two days in a year, ठीक है। So जब भी हमारी earth revolve करती है sun के around, तब दो दिन ऐसे होते हैं, तब ये जो सन रेज होते हैं वो कैसे आते हैं, परपेंडिकुलर रेज आते हैं, और ये दो दिन कौन से हैं, दिस कंडीशन अकर्स ऑन 21st March एंड 23rd September, ठीक है। सो 21st March एंड 23rd September को जो सन के रेज है वो अर्थ के ऊपर कैसे आते हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये सन के रेज है, तो इन दोनों के बीच में 90 degrees का एंगल बनता है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर रेज, ठीक है। सो ऐसा दो दिन होता है साल में, एक 21st March को एंड 23rd September को। तो ऑन दिस डे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, बताती हूँ। ऑन दिस डे बोथ द पोल्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये दिन पे 21st March एंड 23rd September को जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो सन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए अगर 12 घंटे का डे है तो 12 घंटे की क्या होगी, नाइट होगी, ठीक है। तो दिन और रात एक ही समय के हो जाते हैं ये दिन पे, 21st March एंड 23rd September को, राइट बच्चों। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग में, तो उसका आंसर यहाँ पे आ गया। सो इसका आंसर आप लिख देना कि 21st March एंड 23rd September को दिन एंड नाइट एक ही टाइम का होता है, दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। जब दिन और रात एक जितने टाइम के होते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स,
समझ में आ गया। सो ऐसा 2 दिन होता है साल में, तो ये डेज याद रख लेना। द इल्यूमिनेटेड एंड डार्क पोर्शन ऑफ ऑल पैरेलल्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर आर शोन इन फिगर 8.3, वो हमने देख लिया। इन द फिगर द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स ऑल द पैरेलल्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इक्वली, ठीक है। सो उस दिन जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में इक्वली ये डिवाइड हो रहे हैं, राइट। सो इसीलिए दोनों जगह पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का क्या आता है, नाइट आता है। Everywhere on the earth, night and daytime are of equal duration. समझ में आ गया? तो ये याद रखना, this condition is called equinox. तो जब भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, equinox. On equinox, the sun's rays are perpendicular on the equator. तो equator पे उस दिन क्या आता है, जो sun rays आते हैं वो perpendicular आते हैं, मैंने आपको already बता दिया, समझ में आ गया। In this condition, the circle of illumination coincides with the great circle defined by two opposite meridians. In the northern hemisphere, spring prevails from 21st March to 21st June, and with autumn prevails, while autumn prevails 23rd September to 22nd December. ठीक है? So 21st March to 21st June northern hemisphere में क्या feel होगा? Spring. Spring means की बसंत ऋतु, नए नए पत्ते आएंगे, नए नए फूल आएंगे, while autumn prevails from 23rd September to 22nd December. और ऑटम कब होता है, 23 सितंबर से 22 दिसंबर, जब पतझड़ का मौसम आता है। और हमने देखा है कि जब ठंडी ज्यादा पड़ती है तब पत्ते जो ग्रीन होते हैं वो येल्लो होके झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, राइट बच्चों। सो तब क्या होता है, ऑटम होता है। और उसका ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, बिकॉज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, 21st मार्च टू 21st जून स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सितंबर से 23rd सितंबर से 22nd दिसंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम। तो इसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो यहाँ पे ये टाइम पे ऑटम चल रहा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, स्प्रिंग, और ये टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, ऑटम, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, स्प्रिंग। तो उसका उल्टा ही होगा, जो नॉर्थ में हो रहा है उसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो ये बहुत ईजी चीज है, आप याद रख लो। In the northern hemisphere, 21st March is called spring or vernal equinox, whereas 23rd September is called autumnal equinox. ठीक है, autumnal equinox. तो ये चीज ध्यान में रख लेना, ये नाम दिए गए हैं, यहाँ पे भी आपको फिगर में बताया गया है। देखो यहाँ पे autumnal equinox 23rd September को और spring equinox 21st March को, तो यहाँ पे भी आपको दिया गया है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। द इक्विनॉक्स और सोलिस्टस डेट्स कैन वेरी बाई डे और सो। तो ये जो इक्विनॉक्स की जो डेट हो यहाँ पे दी गई है वो कभी कभी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो कभी कभी वेरी करती है, सेम डे पे नहीं होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हमको ये फिगर देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, ये जो सन रेज है, दैट मीन्स की सन यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कौन सा पोल दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, ठीक है। और नॉर्थ पोल जो है वो सन की साइड झुका हुआ है, राइट। सो ये साइड पे क्या होगा, ज्यादा गर्मी होगी, नॉर्थ पोल में तब क्या होगा, समर होगा, समझ में आ रहा है बच्चों। सो ये चीज ध्यान में रखना, जो पार्ट सन की ओर झुका हुआ है वहां पर समर होता है, और जो पार्ट सन की ओर झुका नहीं होता है वहां पर क्या होगा, विंटर होगा, इट इज ऑब्वियस, ठीक है। सो अभी ये वाला पढ़ते हैं यहाँ पर। व्हेन एनी वन ऑफ द पोल्स इंक्लाइंस द मोस्ट टुवर्ड्स द सन, 23 degree 30 minute parallel of that hemispheres receives perpendicular sun rays, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये जो झुका हुआ है 23 degree and 30 minute पे जो हमारी अर्थ झुकी हुई है सन के साइड, वो एरिया में क्या होगा, समर फील होगा, क्योंकि वहाँ पे सन के रेज कैसे आएंगे, परपेंडिक्यूलर आएंगे और ज़्यादा गर्मी क्रिएट करेंगे, समझ में आ गया। और यहाँ पे ये जो 23 डिग्री एंड ऐसे जिसको लिखा गया है इसको हम मिनट पढ़ते हैं, 23 डिग्री एंड 30 मिनट इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सी फिगर 8.4 हमने देख ली। द सन रेज आर परपेंडिकुलर एट इक्वेटर ऑन 22nd मार्च एंड 23rd सितंबर, व्हिच आर द डेज ऑफ इक्विनॉक्स। तो
जो इक्वेटर है वहाँ पे 22 मार्च एंड 23 सितंबर को सन के रेज कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है बच्चों, और उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। आफ्टर 22 मार्च अदर पैरेलल्स बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट रिसीविंग परपेंडिकुलर रेज सिक्वेंशियली, ठीक है। सो 22 मार्च के बाद जो अदर पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, कौन सा पार्ट है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो मैं आपको बता देती हूँ। वहां पे भी सन के रेस कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर आने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ मार्च के बाद गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो ये जो है इक्वेटर है, देखो यहाँ पे इक्वेटर लिखा गया है, सो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहाँ पे जो सन के रेज है वो परपेंडिकुलर आने लगेंगे, ठीक है। कब से आते हैं, 22 मार्च से, यहाँ पर 22 मार्च से ये सीधे आने लगते हैं, इसीलिए मार्च में फिर हमारी गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं, ओनली ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर द सन रेज बिकम परपेंडिकुलर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिस्पेक्टिवली। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 21 जून, यहाँ पर आएगा 21 जून और 22 दिसंबर को यहाँ पे सन के रेज क्या पड़ते हैं, परपेंडिकुलर। दीज टू डेज आर कॉल्ड सोलस्टिस डेज, तो ये दिन को क्या बोलते हैं, हम सोलस्टिस डेज बोलते हैं। सिर्फ ये दो दिन के दिन ही यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे क्या पड़ता है, जो सूरज के रेज है, सन के रेज है, वो परपेंडिकुलर आते हैं, और ये डे को हम क्या बोलते हैं, सोलस्टिस डेज। समझ में आ गया बच्चों? सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर ऑन एनी ऑफ द पैरेलल्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड साउथ पोल, ठीक है। सो जो सन के रेज है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं पड़ते हैं। कहाँ पर नहीं पड़ते मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो जो सन के रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल, ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल, वहाँ पर जो सन के रेज है वो परपेंडिकुलर नहीं गिरते हैं, इसीलिए वहाँ पर कम गर्मी होती है, और इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, स्नो, क्योंकि ठंडा होता है। समझ में आ रहा है? और सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से साउथ पोल, देखो ये साउथ पोल है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से साउथ पोल में भी जो सन के रेज है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं गिरते हैं, इसलिए वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, स्नो, ठीक है। लो एंड स्नो, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। सो ये रीजन है वहां पे स्नो होने का रीजन ये भी है, क्योंकि वहां पे जो सन के रेज है वो परपेंडिकुलर नहीं जाते हैं और वो गर्मी नहीं क्रिएट कर पाते हैं। 21st जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो 21st जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, क्योंकि लॉन्ग डे होगा तो नाइट छोटी होगी। सिमिलरली 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में क्या होगा, समर होगा, और हमको पता ही है समर में डेज लंबे होते हैं और नाइट छोटी होती है, राइट। सो दिसंबर सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। सिमिलरली 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है, राइट। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, इसीलिए वहां पर डे 21 जून को सबसे लंबा एंड नाइट सबसे छोटी होती है। तो ऐसा करके आप याद रखोगे ना तो इजीली ये लेसन को याद कर पाओगे। मैं तो इसी ऐसे ही पढ़ती थी, ठीक है, मैं अपने इंडिया का कंपेयर कर लेती थी कि इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया में जून तक गर्मी रहती है, जून जुलाई तक, ठीक है। नॉर्थ जो इंडिया है वहां पर ज्यादा गर्मी रहती है जून में और जुलाई में भी कभी कभी, ठीक है। सो हमारे जो इंडिया है उधर जनवरी से तुम जून देखोगे या जुलाई देखोगे तब तक गर्मी रहती है, ठीक है, और फिर जुलाई से और दिसंबर तक क्या रहती है, धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगती है, ठीक है। सो ये दो चीजें याद रखोगे ना, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, सो उसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में आपको कर देना है, ठीक है, इतना सिंपल है।
22 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे, तो वहाँ पर लॉन्गेस्ट डे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, शॉर्टेस्ट डे, समझ में आ गया, यहाँ पे शॉर्टेस्ट नाइट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट नाइट। और हमको पता ही है कि जो ठंडी होती है, विंटर होता है दिसंबर में इंडिया में, विच इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ पे विंटर में हमको तो पता ही है कि जो नाइट्स होती है वो लंबी होती है, और सबसे लंबी नाइट कब होती है, जब 22 दिसंबर होगा, तब हमारी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट होती है एंड शॉर्टेस्ट डे होता है, ठीक है, आपको ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। मेरा तो एक ही रूल है कि समर में डेज लंबे और रातें छोटी, और विंटर में डेज छोटे और रातें लंबी होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे ना तो कभी भी गलती नहीं करोगे। इन द रीजियन फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल द सन रिमेन्स विजिबल फॉर 24 आवर्स और लॉन्गर, ठीक है। एट द नॉर्थ पोल द सन इज विजिबल इन द स्काई फ्रॉम 22 मार्च टू 23 सितंबर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर कोई कोई टाइम ऐसा होता है जहाँ पर पूरे दिन सन होता है, कभी भी सन सेट नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम मिडनाइट सन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो मिडनाइट सन होता है पूरा दिन ही होगा, कभी उधर रात ही नहीं होती है 6 महीने, ठीक है। तो कौन से 6 महीने हैं, 22 मार्च से लेके 23 सितंबर को ऐसा होता है, ये नॉर्थ पोल के पास होता है आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, ये वाली चीज वहां पर फील कर सकते हो कि कभी भी दिन नहीं होगा, तो सॉरी कभी, तो ये वाली चीज आप आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में ये फील कर सकते हो, मिडनाइट सन जिसको बोला जाता है, ये फिनोमिना को क्या बोला जाता है, मिडनाइट सन, मीन्स की कभी भी आपको रात होती नहीं दिखेगी, अगर आपको सोना है ना तो सब कुछ बंद करके सोना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अंधेरा वहाँ पे नहीं होता है, समझ में आ गया। सो ये कब होता है, 22 मार्च टू 23 सितंबर में इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है ऐसा सेम। सिमिलर सिचुएशन prevails in the region between Antarctic Circle and the South Pole in the period from 23 September to 21 March. तो इनका complete होने के बाद देखो, यहाँ पे 23 September को complete हो जाता है, ठीक है, midnight sun वाला phenomena, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में फिर पूरा दिन रहेगा, 24 घंटे सनलाइट आपको मिलेगी, तो 23 सितंबर टू 21 मार्च यहाँ पे मिडनाइट सन होता है, ठीक है, कहाँ पर, एंटार्कटिक सर्कल टू सदर्न पोल, ठीक है। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च करने जाना होगा सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न पोल के पास, तो वो ये टाइम पे जाते हैं वहाँ पर, 23 सितंबर टू 21 मार्च तक, राइट। Note that on equator the duration of day and night is same throughout the year. So equator पे duration of night and day same रहता है throughout the year, that is 12 hours each, ठीक है। तो equator पे कोई changes नहीं होता है, 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का day होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है। Seasons have been decided on the basis of the duration of sunlight, equinoxes and solstices, ठीक है। So जो seasons हमारी होती है वो decide होती है किसके ऊपर, सनलाइट, इक्विनोक्सिस एंड जो सोलस्टिस है, इन तीन चीजों पे हमारी सीजंस डिसाइड होती है। द इक्वेटोरियल रीजन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज ऑफ सीजन, तो इक्वेटोरियल जो रीजन है हमारी अर्थ का, वहाँ पे जो चेंज इन अ सीजन है वो आप फील नहीं कर सकते, हेंस द क्लाइमेट इन दैट रीजन डज नॉट चेंज एट ऑल इन द ईयर। तो अगर आप सीजन नहीं फील कर रहे हो तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल एक ही आपको क्लाइमेट मिलेगा, एक जैसा ही क्लाइमेट मिलेगा, समझ में आ गया। इन प्लेसेस बियॉन्ड द इक्वेटोरियल रीजन इन आइदर हेमिस्फीयर समर्स और विंटर्स आर एक्सपीरियंस इन वन आफ्टर द अदर विद इन अ ईयर, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है एंड सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, वहाँ पे आप समर एंड विंटर एक
वन बाय वन आप फील कर सकते हो, बट इक्वेटर पे कुछ नहीं, सेम क्लाइमेट पूरी 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 पूरे साल, ठीक है। द अकरेंस ऑफ सीजन्स वन आफ्टर द अदर इन अ ईयर लीड्स टू साइकिल ऑफ सीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बनता है, एक साइकिल बनता है, विंटर के बाद समर आएगा, समर के बाद विंटर, तो ये साइकिल चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ सीजन्स। जनरली देर आर टू सीजन, समर एंड विंटर, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, दो ही सीजन। वैसे हम तो बारिश भी गिनते हैं, मानसून भी गिनते हैं, बट यहाँ पे मानसून के बारे में बताया नहीं गया है, क्योंकि जो ठंडे रीजन है वहां पर विंटर में ही स्नोफॉल हो जाता है। तो हाउएवर इन सम प्लेसेस सीजन्स आर टेकन टू बी फोर इन ऑल, तो कई प्लेसेस पे हम चार सीजन्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी, ठीक है, बसंत, स्प्रिंग, फिर ऑटम, फिर विंटर, फिर मानसून, ठीक है। तो चार सीजन हम लिखते हैं ना, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। द चेंजेस इन एटमोसफियर, वेपर इन द एयर, द विंड एंड द प्रेसिपिटेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सीजन, तो ये चार चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती है सीजन को। तो चेंज इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर कितना चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर वेपर कितनी है एयर के अंदर, विंड क्या है, ठीक है। कभी कभी बादल हमको दिखते हैं बट उसके साथ बहुत सारी पवन होती है, बहुत सारी हवा होती है, तो ये बादल चले जाते हैं और हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि हवा की वजह से ये बादल कहीं और चले जाएंगे और कहीं और जगह पे कंडेंस होके बारिश देंगे, ठीक है। तो बारिश करनी है अगर आपको, तो हमको हवा नहीं चाहिए वो जगह पे, अगर हवा होगी तो क्लाउड को लेके चली जाएगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है सीजन को, ठीक है। कंटिन्यूस अकरेंस ऑफ द रेन इन स्पेसिफिक पीरियड गिव राइज टू एन एडिशनल सीजन बिसाइड समर एंड विंटर, तो कंटिन्यूस जब रेन होती है, तो जैसे इंडिया में होती है तो हम रेनी सीजन भी इंक्लूड करते हैं, जैसे जिसको हम मानसून भी बोलते हैं, तो वो एक सीजन ऐड कर देती है समर एंड विंटर, और तीसरी सीजन हम क्या देते हैं, मानसून, ठीक है, या फिर उसको रेनी सीजन भी बोला जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ कंटिन्यूस रेन होती रहती है, राइट। सो इसीलिए हमारे यहाँ एक और सीजन हमने ऐड कर दिया है। हम स्प्रिंग भी मनाते हैं, हम बसंत ऋतु भी मनाते हैं, और पतझड़ भी मनाते हैं। मीन्स ड्यू टू लोकल कंडीशन सीजन अदर देन समर एंड विंटर आर सीन टू अकर इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो लोकल कंडीशन कैसी है उसके ऊपर भी सीजन्स बनती है, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी रेन होती है बहुत टाइम तक, तो हम उसको रेनी सीजन भी नाम दे देते हैं, जिसको हम मानसून भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेन्स अकर इन India in a specific period, therefore we consider four seasons, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि इंडिया में रेन होती है for a period of time, तो उसको हम क्या बोलते हैं, rainy season, therefore we consider four seasons such as summer, the rainy season, the period of retreating monsoon and winter, तो हम four season को consider करते हैं इंडिया में, right? There are four seasons in Europe and North America too, तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में भी four seasons feel की जाती है, they are summer, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग है, राइट बच्चों। हम इंडिया में ऑटम एंड स्प्रिंग भी फील करते हैं, राइट, जब पतझड़ का मौसम आता है तब पत्ते गिर जाएंगे, राइट। सो ऑटम को भी फील करते हैं और स्प्रिंग को भी फील करते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पर चले जाते हैं, द साइकिल ऑफ सीजन एंड द लिविंग वर्ल्ड, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। इफ द अर्थ एक्सिस वेर नॉट टिल्टेड, द सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस वुड हैव प्रिवेल्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो एक्सिस जो हमारे अर्थ की टिल्टेड है, उसकी वजह से ही हमारे अर्थ पे हम सीजन्स फील कर सकते हैं। अगर ये टिल्टेड ना होती और ऐसे सीधी हो जा ऐसी होती, तो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो सेम रहता थ्रू आउट द ईयर, तो हम कोई सीजन को फील नहीं कर पाते। द सीजन्स वुड नॉट हैव अकर्ड, ठीक है। तो हम अगर ऐसा कंडीशन होता, टिल्ट ना होती हमारी अर्थ, तो हमारे यहाँ पे कोई सीजन हम फील नहीं कर सकते। वन एंड द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस वुड हैव प्रिवेल्ड ऑन ईच ऑफ द डिफरेंट पैरेलल्स, तो अर्थ पे हर एक जगह पे हमको एक ही तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता। चलो थैंक गॉड ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा है। हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। और दूसरा क्या रीज़न है सीजन के लिए, सीजन के लिए दूसरा रीज़न है हमारी जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ सीजन फील होता है, राइट। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। इट इज़ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस दैट लीड्स टू अकरेंस ऑफ सीजन्स
चेंज एंड द डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, ठीक है, क्योंकि ये टिल्टेड है तो सीजन्स चेंज होगी, सीजन्स चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सारा वेजिटेशन होता है, सारे बर्ड्स होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, वो हर एक जगह पे अलग अलग मिलते हैं, डाइवर्स्ड मिलते हैं, डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ के ऊपर, राइट. द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज अफेक्टेड बाई द साइकिल ऑफ सीजन्स. फॉर एग्जाम्पल, इन द रीजियन बिटवीन 66°30′ and 90° इन बोथ हेमिस्फीयर, इवन द माइल्ड सनलाइट अवेलेबल फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर गिव राइज टू सर्टेन फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, तो जो 66°30′ and 90° वाला जो पार्ट है, वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए अर्थ पे क्या आता है, सनलाइट आता है, फिर भी वहाँ पर क्या मिलता है हमको देखने को, अलग अलग तरह की फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलती है. ठीक है, तो माइल्ड सनलाइट आती है, फिर भी हमें अलग अलग तरह का जो वेजिटेशन है फ्लावर से, वो हमको देखने को मिलता है. इन द एंटार्क्टिक रीजियन एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, फिश लाइक सील, एनिमल्स लाइक वॉलरसेस आर फाउंड. तो हर एक जगह के जो एनिमल्स है वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं. जैसे एंटार्क्टिक रीजियन में हमको फिश, जो सील नाम की फिश है, वॉलरस है, पेंगुइन्स है, वो देखने को मिलते हैं. इन द पोलर रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एनिमल्स लाइक रेंडियर, पोलर बेयर्स, आर्कटिक फॉक्स, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है. पीपल लिविंग इन दिस रीजन टू हैव एडेप्टेड टू द नेचुरल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दैट रीजन. ठीक है, सो जो भी ठंडी एरिया में लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने भी वहां पे एडेप्टेशन कर लिया है कि वो लोग ठंडी जगह में भी सर्वाइव कर पाए, ऐसा उन लोगों ने एडेप्टेशन कर लिया है, सीख लिया है, राइट. Our adaptation to the climatic conditions is possible only upon a certain limit. ठीक है, जो हमारा adaptation है वो only possible limit तक हम उसको adapt कर पाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, हम survive नहीं कर पाएंगे. ठीक है बच्चों, कि अगर बहुत ठंडी हुई और बहुत गर्मी हुई तो हम adaptation कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हमको AC चालू करके हम survive कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे sweater या heater पहन के हम थोड़े time के लिए survive कर पाएंगे, बट अगर रोज रोज ऐसा हुआ तो हम वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, या तो हमको जगह चेंज करनी पड़ेगी अगर हमको जिंदा रहना है तो. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हेन द फूड सप्लाई बिकम्स स्कैर्स, अ नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट टेम्पररीली. ठीक है, तो जब बहुत ठंडी हो जाती है तो जो बर्ड्स है वो भी वहां पे सहन नहीं कर पाएंगे, वो भी एडप्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो कहाँ पर जाते हैं, जो थोड़ी हॉट जगह पे है. ठीक है, जो हॉट जगह होती है वहां पर वो माइग्रेट करने लगते हैं, बिकॉज इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, और वहां पे वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ठंडी हो जाती है, तो वो टेम्पररीली माइग्रेट कर जाते हैं. ठीक है, सो ऐसे बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. हमारे इंडिया में भी आते हैं, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से, ऐसी जगह से हमारे इंडिया में भी ऐसे बर्ड्स आते हैं, फिर जैसे हमारे इंडिया में हॉट होने लगता है तो वो लोग वापस अपनी जगह जो कोल्ड है, जहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर ये लोग माइग्रेट करने लगते. ठीक है, तो ऐसा माइग्रेशन उनका चलता रहता है क्योंकि उनको वीजा की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे विंग्स फड़फड़ाई और निकल दिए. ठीक है, ट्रीज बेयर फ्रूट इन अ पर्टिकुलर सीजन. जैसे गर्मी होती है तो आम आता है, राइट, और अगर बहुत गर्मी नहीं है तो आम नहीं आता है, राइट, या फिर आम पकता नहीं है. जैसे ठंडी के अलग फ्रूट है, बारिश में अलग फ्रूट आते हैं, बारिश में अलग सब्जी आती है, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सीजन्स. Therefore, agricultural seasons also depend on to the local climatic conditions. ठीक है, जैसे बारिश के टाइम पे हम क्या ग्रो करते हैं, राइस, चावल को ग्रो करते हैं क्योंकि उसको ज्यादा पानी की जरूरत है, राइट. सो हम सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप भी ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, राइट. इन पोलर एरियाज स्नो लाइन शिफ्ट नॉर्थ और साउथ अकॉर्डिंग टू सीजन्स. ठीक है, तो पोलर एरिया में भी ये जो स्नो लाइन होती है वो अकॉर्डिंग टू सीजन शिफ्ट होती रहती है, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ. दिस अफेक्ट्स माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो ये इसकी वजह से माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स को भी अफेक्ट होता है. समझ में आ गया. अभी हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं. यहाँ पे आपको थोड़े बर्ड्स दिखाए गए हैं. देखो, ये साइबेरियन क्रेन है एंड आर्कटिक टर्न है. तो ये लोग माइग्रेट करके आते हैं. इसको आप पढ़ लेना, बस आपके नॉलेज के लिए है. ये लोग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उड़ के आ जाते हैं विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी गूगल. आ रहा है बच्चों, तो आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. और अगर ना आया हो तो भी कमेंट करके बता देना, आया हो तो लाइक कर देना, ना आया हो तो डिसलाइक कर देना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर मेरा टीचिंग पसंद आया है तो. ठीक है, सो आई
आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। बाय।